हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन 2020 के रिजल्ट के ऊपर, और हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए किया गया है। तो बचे हुए छात्र के प्रमोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और जिन स्टूडेंट का एग्जाम होना है उनके हॉल टिकट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। और आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके टर्म इन दिसंबर 2020 एग्जाम का रिजल्ट, जो कि आपको आप देख पा रहे हो 6 जुलाई को ये अपडेट किया गया है। तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालिए, सबमिट कीजिए और अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का बच जाता है देन वो कमेंट जरूर कीजिए अभी तक किनका रिजल्ट नहीं आया। अगर नहीं आया तो पैनिक मत होइए, नेक्स्ट अपडेट का वेट कीजिए, कंटिन्यू अपडेट किया जा रहा है, आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर, जो कि है आपका रीएवेल्यूशन रिजल्ट, ठीक है, जो कि दिसंबर 2020 के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टेटस एज ऑन जुलाई 7, 2021, ये आपका कल भी अपडेट किया गया था और ये आपका 7 जुलाई आज भी अपडेट किया गया। तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, सबमिट कीजिए और अपना स्टेटस चेक कीजिए। कोई इशू आता है देन कमेंट जरूर कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि है आपका ग्रेड कार्ड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन जुलाई 2 को ही ये अपडेट किया गया था, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट का नहीं किया है तो प्लीज आप वेट कीजिए, पैनिक मत होइए, कंटिन्यू अपडेट किया जा रहा है, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन में अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके अगस्त एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है, जो कि लिस्ट आपको 3 जुलाई को ही दे दिया गया था। इसमें क्लियरली दिया गया था कि आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट के ही एग्जाम होंगे उनके बैक के साथ, अगर उनका कोई बैक होगा तो जिनका एग्जाम होना था वो थे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और पीजी के स्टूडेंट, ठीक है। तो मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री के स्टूडेंट थे वो, और यहाँ पे और भी लिखा गया द एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, या फिर वो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो, या फिर डिप्लोमा में हो, या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हो, ठीक है। तो इन सभी प्रोग्राम में अगर आप फाइनल ईयर में होने का मतलब नहीं समझ पा रहे हो कि देन आप क्लियरली आपको इतना सोच लेना है कि इस अगस्त के एग्जाम को दे देने के बाद अगर आपको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ रहा है और आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे हो देन आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन था। तो बात कर लेते हैं अब हम लोग जो 3 अगस्त से एग्जाम होने वाले हैं उन स्टूडेंट के हॉल टिकट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ की आप हॉल टिकट देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली हॉल टिकट ऑफ दिसंबर 2020 टर्म इन एग्जामिनेशन न्यू, मीन्स आपका जो 3 अगस्त से एग्जाम होने वाला है उनका अभी हॉल टिकट नहीं आया है। सो पैनिक मत होइए, जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगी, क्योंकि ये एग्जाम से 7 डेज पहले आता है। तो जैसे ही आएगा आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।